हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी प्रज्ञा मैम, और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 6 देखेंगे। तो चैप्टर 3 जो है वो नाजिज्म एंड द राइस ऑफ हिटलर है। नाजिज्म के बारे में अभी हम देख रहे हैं और राइस ऑफ हिटलर के बारे में जो है हम आगे देख रहे हैं। तो नाजिज्म जो है इसके बारे में हम काफ़ी कुछ देख चुके थे। तो हमने यहाँ पे देखा था हेलमुट की स्टोरी, उसके बाद हमने देखा था कि कैसे जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, सेकेंड वर्ल्ड सॉरी बर्थ ऑफ वेमिनार रिपब्लिक हुआ, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, फिर वॉर के जो इफेक्ट्स थे उसके बारे में देखा, इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में देखा। उसके बाद जो है हमने देखा कि इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण जो है डिप्रेशन कैसा, डिप्रेशन का माहौल कैसा हो गया था जर्मनी में। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि हिटलर जो है पावर पे कैसे, सत्ता पे कैसे आया, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है हुई थी वॉर के कारण। उसके बाद जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, उसके बाद जो है चेंजेस कैसे आए, उस सब चीज़ों को हमने देखा था। तो अब हमको देखना है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, कि कैसे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको हिटलर ने हटा के डिक्टेटरशिप वापस लेके आ गया। तो उसके बारे में हमको देखना है। तो ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप, द हाइएस्ट पोजिशन इन द कैबिनेट मिनिस्टर टू हिटलर। अब 13 जनवरी 1933 में जो प्रेसिडेंट थे वहाँ जर्मनी के, उन्होंने जो हाइएस्ट पोजिशन होती है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में, वहाँ पे चांसलरशिप का जो पोस्ट है उसको हिटलर को दे दिया। बाई नाउ द नाजीज हैड मैनेज टू रैली द कंजरवेटिव टू देयर कॉज। अब जो है जो नाजीज है उन्होंने कैसे ना कैसे करके जो कंजरवेटिव थे, कंजरवेटिव वो लोग रहते हैं जो समाज में चेंजेस नहीं चाहते, उनको उन्होंने मना लिया था कि हाँ भाई चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। हैविंग एक्वायर्ड पावर हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब भाई पावर में तो आ गया है, तो हिटलर ने ये सोचा कि अब एक टाइम आ गया है कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको हटा दिया जाए, जो स्ट्रक्चर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उसको हटा दिया जाए। अ मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फेब्रवरी फैसिलिटेटेड दिस मूव। और एक अचानक से एक आग हुई, मिस्टीरियस मतलब किसी को पता नहीं चला कि ये आग किसके द्वारा लगाई गई थी। जो जर्मन की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वहाँ पे फरवरी में ये आग लग गई, और इस आग के लगने के बाद जो हिटलर चाह रहा था उसको, मतलब बोलते ना आग में घी मिल जाना, उस तरीके की बात हुई। ये जो है उससे बहुत ही इजीली जो है हिटलर जो चाह रहा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया जाए, वो उसको अचीव हो गया। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 इनडेफिनेटली सस्पेंडेड सिविक राइट लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली दैट हैड बीन गारंटेड बाई वेमिनार कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब ये जो फायर हो गया, ठीक है, जो आग लग गई उसके कारण जो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स पास किए, ठीक है, 28 फरवरी 1933 में, इसमें ये कहा गया इनडेफिनेट टाइम के लिए, है ना, इसको कोई टाइम पीरियड नहीं था, इनडेफिनेट टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जो भी सिविक्स राइट थे, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, है ना, प्रेस में आप कुछ नहीं छाप सकते, असेंबली नहीं, असेंबली क्रिएट करके कोई जब मामला नहीं कर सकते, उस तरीके का जो जो भी राइट्स थे वो क्या है हटा दिया गया। और ये सारे राइट्स जो है वेमिनार कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों को गारंटीड करता था, और इसको अब जो है इनडेफिनेट टाइम के लिए वहाँ से हटा दिया गया। देन ही टर्न टू आर्च एनिमीज द कम्युनिस्ट, हु मोस्ट ऑफ होम वेयर हेरिडिटरी पैक्ट ऑफ टू द न्यू न्यूली एस्टेब्लिश कंसंट्रेशन कैंप। अब इसके बाद जो है हिटलर किसको टारगेट करता है, जो कम्युनिस्ट थे, ठीक है, उनके मेजर एनिमी थे हिटलर के कम्युनिस्ट। तो उनको क्या है, वो जल्दी जल्दी जो है वो लोगों को, जो कम्युनिस्ट थे वो लोगों को जल्दबाजी में कंसंट्रेशन कैंप में भेज देता है। कंसंट्रेशन कैंप एक एकदम सिक्योर्ड एरिया है जहाँ से वापस निकलना बहुत ही मुश्किल होता था, जिसको इलेक्ट्रिक बाउंड्री करके रखा गया था, जहाँ से निकलना मुश्किल ही होता था। आगे में दिया हुआ है इसका डेफिनेशन, द रेप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट वॉज सिवियर। तो ये जो कम्युनिस्ट को जैसे जैसे करके हटा देना, रास्ते से हटा देना, बहुत ही दर्दनाक तरीके से और बहुत ही बुरी तरीके से किया गया। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डसलडॉर्फ, अ स्मॉल सिटी ऑफ 500,000 ऑफ पॉपुलेशन, 1,440 वेयर दोस ऑफ कम्युनिस्ट अलोन। तो यहाँ पे एक छोटी सी सिटी है डसलडॉर्फ, ठीक है, जहाँ पे 500,000 पॉपुलेशन, उसमें जितने 6,808 अरेस्ट फाइल्स थे, ठीक है, जिसमें लोगों को
अरेस्ट किया गया था उसमें 14,400 लोग कौन थे, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट ही थे। ठीक, दे वेयर हाउएवर ओनली वन अमंग ऑफ 52 टाइप्स ऑफ विक्टम्स प्रोसिक्यूटेड बाई द नाजी अक्रॉस द कंट्री। तो ये जो इसमें से तो 52 टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स है ना, विक्टिम्स जो है उसको डिफाइन किया गया था, उसमें जो उसमें एक तरीके के क्रिमिनल्स जो है कौन थे, कम्युनिस्ट थे। तो ऑन मार्च 3, 1933 द फेमस एनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड। अब मार्च 3, 1933 में एक एक्ट पास किया गया जिसे क्या कहा जा रहा है, एनेबलिंग एक्ट, और ये बहुत ही फेमस एक्ट था। क्या था इस एक्ट में, दिस एक्ट एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट एक्ट क्यों है, क्योंकि अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया और फिर से वापस डिक्टेटरशिप ले आया गया। डिक्टेटरशिप वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पर, ये आप क्लासिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, तो डिक्टेटरशिप ये गवर्नमेंट होती है जहाँ पर एक ही व्यक्ति का राज चलता है। ठीक है, जैसे राजा हुआ करता था वैसे ही एक ही व्यक्ति का यहाँ पे राज चलता है, वो किसी और से सलाह मशवरा नहीं करता। इट वॉज हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। ठीक है, तो अब जो है हिटलर के पास सारे पावर थे और उसने जो गवर्नमेंट को साइडलाइन करके अपना एक डिक्टेटरशिप फॉलो कर दिया। लेकिन क्या है, ये डिक्टेटरशिप में जो गवर्नमेंट के रूल बनाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंगली उसको रूल करना है। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वेयर बैंड एक्सेप्ट फॉर नाजी पार्टीज एंड इट्स एफिलेट्स। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी और ट्रेड यूनियंस है, उन सबको बैन लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ नाजी पार्टी ऑपरेट करेगी और नाजी पार्टी के जो एफिलेट्स मतलब उनके जो सहयोगी दल है वो लोग वहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी, वही पॉलिटिकल पार्टी बस रहेगी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को खारिज कर दिया गया। द स्टेट एस्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। तो अब जो है स्टेट जो है उसका, उसने पूरी तरीके से इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी को अपने अधीन करके रख लिया। स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वे क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट नाजी वॉन्टेड। तो नाजी जैसे जैसे चाहते थे उस तरीके का स्पेशल सर्वेलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रिएट किया गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे आगे, अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी एक्जिस्टिंग पुलिस फोर्स इन ग्रीन यूनिफॉर्म। ठीक है, जो पहले से ही जो पुलिस फोर्स थी जो ग्रीन यूनिफॉर्म में ऑपरेट करती थी, उसके अलावा भी, ठीक है, ऐसे और स्टॉर्म ट्रूपर्स, दिस इंक्लूडेड द गेस्टापो, सीक्रेट स्टेट पुलिस, द SS, द प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विस। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म भी दिया हुआ है। तो ये सारे और जो है जो रेगुलर पुलिस है उसके अलावा भी इस तरीके के पुलिस फोर्स थे जो ट्रैक करते थे कि नाजी जैसे चाह रहे हैं, हिटलर जैसे चाह रहा है वैसे ही गवर्नमेंट ऑपरेट हो, अदरवाइज बाकी लोगों को क्या है, अरेस्ट कर दिया जाएगा। इट वॉज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ दिस स्पेशल ऑर्गेनाइज्ड फोर न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्स दैट गेव नाजी स्टेट इट रेपुटेशन एज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल्स। तो ये जो स्पेशल फोर्स थे और इनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दिया गया था, ये जो न्यू ऑर्गेनाइज्ड फोर्स थे, उसके बाद जो नाजी स्टेट है उसकी रेपुटेशन क्या हुई, एक बहुत ही ड्रेडेड मतलब एक बहुत ही भयभीत कराने वाला एक क्रिमिनल स्टेट। ठीक है, जहाँ पे लोग बहुत परेशान होते, ऐसे स्टेट की उपाधि दे दी गई नाजी स्टेट को। पीपल कुड नाउ बी डिटेन इन गेस्टापो, टॉर्चर चैम्बर्स, राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसेंट्रेशन कैंप, डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर्स। अब यहाँ पे जो है ये सब स्पेशल फोर्सेस के आने के बाद लोगों को कभी भी डिटेन कर दिया, डिटेन इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर, डिटेन मतलब वहां पे जो ये टॉर्चर चैम्बर्स बनाए गए थे, गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स, वहां पे कभी भी रोक दिया जाता था कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या फिर आपके ऊपर कुछ केस है करके, वो टॉर्चर चैम्बर्स में उनको ले जाके वहां पे टॉर्चर किया जाता था। ठीक है, या तो फिर कंसंट्रेशन कैंप में उनको भेज दिया जाता था, या तो विदाउट मतलब कुछ भी विदाउट रीजन के उनको अरेस्ट कर लिया जाता था और उनके खिलाफ लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करवा दिया जाता था। द पुलिस फोर्सेस एक्वायर पावर्स टू रूल विथ इम्प्यूनिटी। मतलब ये जो पुलिस फोर्सेस है ये मतलब उनको पावर दे दिया गया था, आप रूल करो, है ना, इस तरीके से। तो कंसंट्रेशन कैंप, कैंप वेयर पीपल वेयर आइसोलेटेड, मतलब उनको अलग से रखा जाता था, डिटेन विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना, वहाँ पे रोक लिया जाता था। और टिपिकली इट वाज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिफाइड बार्ब वायर फेंसेस। ठीक है, वहाँ पे उनको
निकलने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती थी वहां से। अब उसके बाद हमको देखना है रिकंस्ट्रक्शन, जो जर्मनी थी जहाँ पे एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी जब हिटलर ने रूल करना स्टार्ट किया। अब हिटलर ने डिक्टेटरशिप ले आए, अब उसके बाद जो है वो जर्मनी को रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहे थे। तो हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू इकोनॉमिस्ट हिज्मार सचक्त। ठीक है, तो ये सचक्त जो है हिजमार जो हिजमार हिजलमार जो है उनको उन्होंने इकोनॉमिस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप कंट्री का इकोनॉमिक जो है उसका आप कार्यभार संभाले। हु एम्ड एट फुल प्रोटेक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन फार्म। तो वहाँ पे जो ये जो इकोनॉमिक्स है वो किस तरीके से वर्क कर रहे थे कि हमको फुल प्रोटेक्शन चाहिए और फुल एम्प्लॉयमेंट हम लोगों को देंगे स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के द्वारा। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द वर्क फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड पीपल्स कार द वॉक्स वॉक्स वोल्क्सवैगन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो इकोनॉमिक्स है इन्होंने जो प्रोजेक्ट इजाद किया उसके बाद जो है जर्मन सुपर हाईवेज उन्होंने क्रिएट किए और पीपल्स कार लोगों के कार्स वोल्क्सवैगन को उन्होंने मार्केट में उतारा। तो यहाँ पे एक पोस्टर दी गई है, द पोस्टर अनाउंसेस योर वोल्क्सवैगन सच पोस्टर्स सजेस्टेड दैट ओइंग अ कार्स वॉज नो लॉन्गर ए ड्रीम जस्ट नो लॉन्गर जस्ट ए ड्रीम फॉर एन ऑर्डनरी मैन। अब कोई भी ऑर्डनरी मैन जो भी है वो अब कार एक अपना बाय कर सकता है। तो आज की डेट में कार बहुत कॉमन है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। बहुत ही मतलब जिनके पास पैसा है वही कार को अफोर्ड कर सकते थे। इन फॉरन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। ही पुल्ड आउट द लीग्स ऑफ नेशन इन 1933, रीऑक्यूपाइड द रिनलैंड इन 1936, इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। तो अब जो हिटलर की फॉरन पॉलिसी है वो भी क्विकली रिस्पॉन्स कर रही थी, सक्सेस हो रहा था वो उसमें। उसने जो लीग्स ऑफ नेशन 1933 उसको खारिज करा दिया, उसको हटा दिया, और उसने रिनलैंड जो थे जो उसके जो जब वॉर के द्वारा रिनलैंड जो है उनके टेरिटरी से हट गया था, रिनलैंड को 1936 में एक्वायर कर लिया और इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया और जर्मनी को 1938 में। और स्लोगन क्या था उसका हिटलर का, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। ही देन वेंट टू रेस्ट जर्मन स्पीकिंग स्टूडेंट लैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया एंड गोबल्ड अप द एंटायर कंट्री। तो अब उसने जो जर्मन स्पीकिंग स्टेट है स्टूडेंट लैंड उसको चेकोस्लोवाकिया से अपने अधीन कर लिया। उसके बाद जो है उसने जो एंटायर पूरी कंट्री है उसमें राज करना चालू कर दिया। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड विच हैड कंसिडर्ड द वर्सलाइज वर्डिक्ट टू हार्श। दिस क्विक सक्सेस एट होम एंड अब्रॉड सीम्स टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यहाँ पे देखिए जो अनस्पोक मतलब उसको ये सारी चीज़ें करने में किसका सपोर्ट मिल रहा था, इंग्लैंड का सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड भी यही मान रहा था कि जो वर्सलाइसिस वर्डिक्ट हुआ था वॉर के बाद में वो बहुत ही बेकार था, हार्श था, उससे जो है कंट्री को काफी नुकसान हुआ। तो ये जो सक्सेस है ठीक है, घर में मतलब उसके घर में नहीं, वो जो जिस कंट्री में रूल कर रहा है जर्मनी में रूल कर रहा है वहां पे उसने सक्सेस पाई, और अब्रॉड में भी उन्होंने काफी सारे जो है अलग अलग जगह है उसको अपने अधीन कर लिया। तो ये जो उसको दोनों घर में और अब्रॉड में उसको जो ये सफलता मिली इससे जो पूरी कंट्री है उसकी दिशा ही चेंज हो गई। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, साचेट हैड एडवाइस हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन आर्मेंट। और एज द स्टेट स्टिल्स रैन ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी। अब हिटलर जो है वो यहाँ पे रुका नहीं, उसका जो इकोनॉमिक्स है उसने एडवाइस किया था हिटलर को कि भाई आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए जो रीआर्मेंट मतलब जो वेपन्स वगैरह खरीदने में ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि अभी भी जो कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटस है वो सही नहीं है। ये सजेशन देने के बाद जो उनका इकोनॉमिक्स है उसको उन्होंने हटा दिया। तो साचस हैड टू लीव। तो क्यों क्यों? क्योंकि कॉशियस पीपल जो अलग तरीके की जो उनको सलाह देते थे वो हिटलर को पसंद नहीं आता था, इसलिए साचस को उन्होंने क्या है साचकट को उन्होंने क्या है हटा दिया। हिटलर चूज वॉर एज द वे ऑफ अप्रोचिंग
तो हिटलर को ये लगा कि भाई वो वॉर करेगा तो जल्दी से उसकी जो कंट्री है उसके फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बदल जाएगी। तो यहाँ पे मैप दिया गया है जहाँ पे दिया गया है कि ग्रेटर जर्मनी का कौन से पावर्स है, पावर कॉपरेटिंग विद द एक्सिस कौन से हैं, टेरेटरीज अंडर जर्मन ऑक्यूपेशन कौन सा है, इटली और उसके टेरेटरीज और न्यूट्रल कंट्रीज कौन से हैं, ये यहाँ पर मैप में दिया गया है। तो रिसोर्सेज वेयर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपांसन्स ऑफ टेरिटरी। तो हिटलर का ये मानना था कि अगर उसको रिसोर्सेज वापस लेके आने हैं अपने कंट्री में तो उनको अपनी टेरिटरीज को है एक्सपांड करना पड़ेगा। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, ठीक है, 1939 में जर्मनी ने पोलैंड को अपने हिस्से में कर लिया। दिस स्टार्टेड ए वॉर विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड, और उसके बाद जो है फ्रांस और इंग्लैंड के साथ साथ जो है वॉर स्टार्ट हुआ। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही थी। इन सितंबर 1940 अ त्रिपति एक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी इटली एंड जापान स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स केम टू इंटरनेशनल पावर। तो अब 1940 में एक त्रिपति पैक्ट साइन हुआ जर्मनी इटली और जापान के साथ, जिसमें हिटलर का जो क्लेम था इंटरनेशनल पावर का उसको स्ट्रेंथ मिला। पपेट रिजीम सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वेयर इंस्टॉल्ड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो जो पपेट रिजीम से मतलब जो जो हिटलर के अधीन काम करना चाहते, हिटलर जैसा बोल रहा है वैसे काम करना चाहते थे, और जो सपोर्ट करते थे नाजी जर्मनी को, उन्होंने वहाँ पे जो कई पार्ट्स है यूरोप में वहाँ पे उन्होंने भेज दिया। बाई द एंड ऑफ 1940 हिटलर वॉज अ पिनेकल ऑफ पावर, और 1940 के आते आते हिटलर एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति बन गया। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्ट यूरोप। अब हिटलर आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया, ईस्ट यूरोप तक। ही वॉन्टेड टू एंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स। और ये हिटलर ये सारी चीज़ें कर रहा था और वो एकदम इंश्योर करके रखता था कि फूड सप्लाईज और लिविंग स्पेस जो जर्मनी को फेस करना पड़ रहा था पहले, उसके आने से पहले, वो कहीं पे भी लोगों को मतलब दिक्कत मत दे। मतलब इसका ये था कि फूड सप्लाई और लिविंग स्पेस जो है जर्मन्स को मिलते रहना चाहिए। ही अटैक द सोवियत यूनियन इन 1941। अब 1941 में सोवियत यूनियन में उन्होंने अटैक किया। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर, ठीक है, इसको हिस्टोरिक ब्लंडर कहा गया है क्योंकि बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक थी, क्योंकि हिटलर ने एक्सपोज कर दिया जर्मन की जो वेस्ट फ्रंट ऑफ टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग, ठीक है, जो जर्मन का जो वेस्ट फ्रंट था वो ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग जो है वहाँ पे उसको उन्होंने एक्सपोज कर दिया। मतलब वहाँ पे एंट्री मिल गई ब्रिटिशर्स को एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू पावरफुल सोवियत एम्पायर, ठीक है। वॉर करते करते जो है ये एक ब्लंडर कर दिया उन्होंने। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टेलिंगार्ड। तो जो सोवियत आर्मी थी जो सोवियत आर्मी थी उन्होंने एक बहुत ही बुरी तरीके से क्रशिंग और ह्यूमिलेटिंग डिफीट दी जर्मनी को स्टेलिंगार्ड में। और आफ्टर दिख और इसके बाद में जो सोवियत रेड आर्मी है वो हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन, एस्टैब्लिश सोवियत हेजेमनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर द हाफ ऑफ सेंचुरी देयर आफ्टर। तो अब ये जो सोवियत रेड आर्मी है वो बिल्कुल मतलब बर्लिन तक पहुंच गई और वहां पे अपना हाफ सेंचुरी, ठीक है, हाफ सेंचुरी तक वहाँ पे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। मीन वाइल द यूएसए हैज़ रेजिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर, इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज़ कॉज्ड। यूएसए जो है वो रेजिस्ट कर रहा था कि उसको वॉर में नहीं जाना है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो है उनको काफ़ी दिक्कतें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करना पड़ा, लेकिन उन्होंने वो वॉर से बाहर नहीं रह पाए क्योंकि जापान जो है अपने पावर्स को एक्सटेंड कर रहा था ईस्ट में एंड इट हैज़ ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वॉज प्लानिंग अटैक ऑन यूएस नेवल बेसिस इन पैसिफिक। तो जापान जो है वो फ्रेंच के जो इंडो चाइना बॉर्डर वहाँ तक पहुँच गए थे और वो लोग यूएस के जो नेवल बेसिस है वहाँ पे वो लगातार अटैक कर रहे थे, प्लान कर रहे थे अटैक करने के लिए। वेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर बॉम्ब यूएस बेस एट पर्ल हार्बर, द यूएस एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब जब जापान ने जो हिटलर को सपोर्ट करना चालू कर दिया, उन्होंने बॉम्ब गिराए, यूएस का जो बेस था पर्ल हार्बर वहाँ पे उन्होंने बॉम्ब गिराया। तो अब यूएस बिल्कुल पीछे नहीं रह पाया, तो इसलिए यूएस को भी एंट्री लेनी पड़ गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और ये जो वॉर है ये मई 1945 में एंड हुआ हिटलर के डिफीट के साथ, ठीक है। हिटलर जो है 1945 में जर्मनी जो है हिटलर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार जाती है। क्यों? क्योंकि यूएस जो है वो बॉम्ब गिरा देता है हिरोशिमा
में जापान में ये बहुत ही फेमस है। आपने कई जगह पढ़ा होगा कि यूएस ने बॉम्ब गिराया हिरोशिमा नागासाकी में, जिसका इफेक्ट आज भी लोगों जापान के लोगों में देखने के लिए मिलता है, जो बॉम्ब का इफेक्ट है। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नाउ रिटर्न टू हेलमुट एंड हिज फादर स्टोरी, अ स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वॉर। तो यहाँ पे हमको ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद जो सिचुएशन हुई, तो अब हमको ये पता चल रहा है कि हेलमुट के जो फादर हैं वो सुसाइड क्यों करते हैं और उसके बाद हिटलर क्यों सुसाइड करते हैं, इसके बारे में हमको पता चलता है। सॉरी, तो हिटलर रिपोर्टेड डेड, यहाँ पे न्यूज़पेपर जो है इंडियन न्यूज़पेपर में क्या क्या छपा है उसके बारे में दिया गया है, तो आप उसको क्विकली पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर इन इंडिया ट्रैक द डेवलपमेंट इन जर्मनी। तो उसके बाद हमको देखना है नेक्स्ट जो पार्ट में हमको नाजी वर्ल्ड वर्ल्ड व्यू, मतलब नाजीज का लोगों जो बाहर जो वर्ल्ड है उसके बारे में, नाजी का क्या जो वर्ल्ड है वो नाजी के बारे में क्या सोचती थी उसके बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पे ये जो वीडियो लेक्चर है हम इसको ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम नाजी वर्ल्ड व्यू के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे चीज़ें को देखा कि कैसे जो है नाजीज़म जो है वो कैसे लोगों को टॉर्चर कैंप्स में, कंसंट्रेशन कैंप में भेज देते थे, फिर टॉर्चर किया करते थे लोगों को और बिना मतलब के एग्जीक्यूट कर दिया करते थे, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो इसलिए जो है हेलमुट के फादर सुसाइड करते हैं और उसके बाद जो है वॉर हारने के बाद हिटलर पे सुसाइड कर लेता है। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।